हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एवन टेक में। मेरा नाम नरेश और आप देख रहे हैं एवन टेक। गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा अपने चैनल की जो वीडियोस हैं उस पर हम CTR कैसे बढ़ा सकते हैं। CTR का मतलब होगा क्लिक थ्रू रेट। जो CTR बढ़ेगा, हमारी वीडियो ब्राउजर फीचर में जाएंगी, इससे हमारी वीडियो वायरल होगी, इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा और फिर मोनेटाइजेशन ऑन होगा, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो CTR हमारी वीडियोज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो CTR क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि CTR होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कम्प्लीटली CTR कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, CTR होता क्या है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्लिक थ्रू रेट CTR का। तो CTR हमारे वीडियोज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, CTR बढ़ाना, CTR इंक्रीज कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो की थंबनेल में देखा कि CTR कैसे बढ़ा सकते हैं और चैनल ग्रो कैसे कर सकते हैं, तो आपने भी CTR पे क्लिक किया होगा इसके द्वारा, तो आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप CTR कैसे बढ़ाते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको थंबनेल होती है, जो पिक्सल लैब से मैं एडिट करता हूँ। सबसे पहले आपको थंबनेल एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनानी होगी, जिससे कोई भी व्यूअर हो, आकर अगर रैंडमली वीडियोज आपकी उसमें ब्राउजर फीचर में शो हो रही है, तो ऐसा थंबनेल होना चाहिए कि बंदा क्लिक करे ही क्लिक करे उस वीडियो पे। ठीक है, वो होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो इस सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपका कि अपने जो पिक्सल लैब है उससे एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओ, और वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर टैक्स से रिलेटेड कोई अच्छी वीडियो होगी, तभी आपकी CTR इंक्रीज होगा। ठीक है, तो CTR बहुत ही ज़रूरी है हमारी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टाइटल एक शॉर्ट। ठीक है, टाइटल एक पूरा वर्ड में लिखो, 100 वर्ड मिलते हैं हमें, लेकिन 100 में नहीं, 90 ही लिखो आप। ठीक है, तो ऐसा टाइटल लिखो जो ब्राउज़र फीचर में कोई भी सर्च करे, यूट्यूब पे सर्च करता है तो वो सर्च ब्राउज़र में ज़रूर आए। ठीक है, उसके अलावा टैग आपको अच्छी डालनी है, डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है। ठीक है, हैशटैग आपको अच्छे, एक अपना चैनल का हैशटैग। ठीक है, जो भी टैग से बड़े चैनल है, जैसे मनोज दे हो गया, टेक्नो बर्नर हो गया, तो इनको आपको हैशटैग यूज़ करनी है। इनसे क्या होगा कि इनके जो ब्राउज़र फीचर में वीडियो आती हैं तो सजेशन में आपकी वीडियो भी आ जाएंगी, जिससे आपका चैनल ग्रो होगा, वीडियो वायरल होगी तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और फिर आप अर्निंग कर पाओगे। तो ये हो गया कि अपना CTR कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आपका थंबनेल। अगर आपकी थंबनेल एक्टिविटी नहीं होगी तो बंदे उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपकी थंबनेल अच्छी है और टाइटल अच्छा है तो कोई भी बंदा अगर ब्राउजर फीचर में आपकी वीडियो आ रही है तो उस पर क्लिक करके ज़रूर देखेगा वो। ठीक है, वीडियो ऐसे बनाओ कि स्टार्टिंग से 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक, तो उसमें कुछ ऐसा सस्पेंस रखो कि वीडियो कि वो बंदा पूरी लास्ट तक एंड तक वीडियो देखे, बिल्कुल भी स्किप करने का ऑप्शन ना हो उसमें। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप करने का ऑप्शन ना हो, ताकि वो बंदा फुल वॉच कर पाए उस वीडियो को, और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर टैक्स से रिलेटेड या कॉमेडी वीडियो हो, जैसा भी आपका कंटेंट है या आपका जिस कैटेगरी का चैनल है, तो आप CTR बढ़ा सकते हो। CTR बहुत ही ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। CTR बढ़ता है तभी हमारे चैनल ग्रो करता है। जब तक CTR नहीं आएगा हमारे चैनल पर, तो हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।